दोस्तों, ये बजाज कंपनी का हीट कन्वर्टर है। आज हम इसको रिपेयर करेंगे और इस टाइप के जितने भी हीट कन्वर्टर होंगे, जिसको ब्लोअर कहते हैं, ये सभी इसी प्रकार से ठीक होंगे। तो दोस्तों, जब भी किसी ब्लोअर को ठीक करना होगा तो उसके लिए हम देखेंगे कि ये ख़राब कैसे हुआ। जैसे कि आप देख रहे हो, इसकी कॉइल बिल्कुल लटक चुकी है और ख़राब हो चुकी है। इसका हम पहले कारण जानेंगे, फिर उसके बाद इसको रिपेयर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परमजीत सिंह और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल हिट चैनल। दोस्तों, इसके स्क्रू मैंने पहले से खोल रखे हैं। इसका जो पंखा है वो टूट चुका है, उसके कारण इसकी जो कॉइल है वो खराब हो चुकी है। जब पंखा टूटा तो दोस्तों, जो कॉइल है गर्म होती है और जो इसका थर्मोस्टेट होता है उसने कट नहीं किया, तो इसलिए हम इसका थर्मोस्टेट भी चेंज करेंगे, इसकी कॉइल भी चेंज करेंगे और इसका पंखा भी नया डालेंगे। और ये बजाज कंपनी का ब्लोअर हार्ड मॉडल है और इस टाइप के जितने भी हीट कन्वर्टर आएंगे वो ऐसे ही ठीक होंगे। दोस्तों, मैं इसके पहले आपको कनेक्शन बता देता हूँ। दोस्तों, ये कॉइल है तो हम इस कॉइल को इस हीटर के अंदर डालने जा रहे हैं और इसके जो तीन पॉइंट हैं, ये कॉमन पॉइंट है और ये इसकी स्पीड है, और इसको तीन माइक का, ये देखिए, एक माइक का, दो माइक का और तीन माइक का वाला जो है, और चौथे माइक का वाला जो है वो नहीं है, तीन माइक का वाला पड़ा हुआ है। और हमारे पास जो कॉइल है वो भी तीन माइक का ही है, क्योंकि हमको मार्केट से तीन माइक का ही मिली है तो हम तीन माइक का ही डालेंगे। और अगर ओरिजिनल की बात करूं तो जो इसकी ओरिजिनल कॉइल है वो इस टाइप की है दोस्तों, चार माइक की है, और जो इसको नट बोल्ट लगे हुए हैं वो ब्रास के लगे हुए हैं। तो जो ब्लोअर की मोटर की एक वायर जो है वो सीधे एक वायर जो बाहर से आती है पावर वाली, उसके साथ लगी होती है जो न्यूट्रल होती है, और जो फेस होता है वो जहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पे स्विच को लिखा हुआ है कूल, कूल लिखा हुआ है, उसके ऊपर आती है ब्लोअर की दूसरी वायर। और जो ये जो दो पॉइंट बताए हैं, इन दोनों में से जो तार लगेगी वो एक स्विच के ऊपर जहाँ पे लगेगी, जहाँ वाले पॉइंट पे लगी ही है, और दूसरी वायर जहाँ पे लगी है। और जब हम जे वाला पॉइंट चलाते हैं तो हमारी एक कॉइल चलती है और हमारा जो हीटर है वो कम गर्म करता है, और जब हम दूसरी करते हैं तो दोनों कॉइल ऑन हो जाती हैं और पूरा फुल जो है वो हमें गर्म हवा देता है, ये जो ब्लोअर है। और जो दूसरी वायर आती है, जो फेस वाली वायर आती है, वो सीधी जहाँ पे लगती है। दोस्तों, ये फेस वाली वायर जा रही है और थर्मोस्टेट से होके फिर वापस जहाँ पे लगेगी दोस्तों। और जब हमारा फैन की स्पीड कम हो जाती है, हमारी कॉइल गर्म होती है, तो थर्मोस्टेट हमारा कट कर देता है। अगर कट नहीं करेगा तो ऐसा ही हाल होगा, कॉइल आपकी ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने ये दो स्क्रू जो लगे हुए हैं, इधर से दो स्क्रू खोलने हैं, और जो इस टाइप पे दो स्क्रू हैं ये भी हमने खोलने हैं।
दोस्तों इसके कनेक्शन हम खोल लेते हैं। ये जो थर्मोस्टेट है ये अंदर से इसकी जो पत्ती है वो कट नहीं कर रही है, डिस्कनेक्ट नहीं हो रही है। ये देखिए दोस्तों ये साथ में जुड़ी हुई है, इसलिए ये कॉइल जली है। दोस्तों ये पुरानी कॉइल है और इसके हम अब कनेक्शन खोल लेते हैं और दूसरी नई कॉइल में फिट कर लेते हैं। दोस्तों ये नई कॉइल है और अब इसको फिट कैसे करना है। जो हमने वायर लगानी है ये पहले से स्क्रू लगे हुए हैं और हमने पहले पुराने स्क्रू जो खोलने हैं, नए स्क्रू खोलने हैं नई कॉइल के और उसी प्रकार जोड़ देने हैं। इसको ऐसे खोल लेना है। जैसे कि ये वायर लगी हुई है, वायर को कस के आपने पहले इस नट को कस लेना है अच्छी तरह से प्लास के साथ। अच्छी तरह से टाइट कर लेना है तीनों स्क्रू को। उसके बाद दोस्तों ये जो पहले वाला कनेक्शन है जहाँ पे छोटी वायर लगानी है जो हमारे स्विच में लगेगी, इसको घुमाई जाना, घुमा लेना है और जैसे घुमाएंगे चूड़ी चलती जाएगी और जब चूड़ी कस जाएगी तो ये नट रुक जाएगा। और ये कामन वाली है जहाँ पे लंबी वायर लगेगी, ये वाली दोस्तों ये जो कॉइल डालने वाले हैं, अगर ये 4 मैका होता, 5 मैका होता तो जो पहले नंबर वाला होता है मैका और जो लास्ट वाला होता है वो बहुत ही सख्त होता है और जो सेंटर में होता है वो थोड़ा नरम होता है। तो जब भी हमने कॉइल को डालना है तो सबसे पहले इसको हमने जो पहले वाला कनेक्शन वाला उसको डालना है। दोस्तों अब हम कॉइल डालेंगे इसको। सबसे पहले आपने जो पहले वाला कनेक्शन वाला सिरा है उसको नीचे वाले पॉइंट पे लगा देना है, फिट कर देना है। उसके बाद इसको थोड़ा उल्टा कर लेना है इस टाइप से और इसको हमने ऐसे लगा लेना है और साथ में 2 स्क्रू लगा देने हैं यहाँ। दोस्तों ये जो सेंटर वाला है इसको आपने ऐसे साइड पे कर देना है और जो ये वाला सिरा है इसको, जैसे मेरा ये अंगूठा है इसको जहाँ पे लगा के दोनों उंगलियों ऐसे फंसा के 2 या 3 उंगली इसको ऐसे खींचना है और एक हाथ से ऐसे सपोर्ट करनी है कि ये वाला सिरा बाहर भी ना निकल जाए, ये ऊपर वाला जो इसका जो ऊपर पॉइंट है और नीचे जो पॉइंट है वहाँ पे आपने लगा के ऐसे लगा देना है और अब आपने स्क्रू लगा देने हैं कुछ इस तरह से। तेरा कैम एक मिनट। अब जो सेंटर वाला बचा है इसको हम जहाँ पे
इस सिरे को ऐसे दबा देंगे, और जो ऊपर वाला पॉइंट है क्योंकि ये नरम होती है तो इसको आप जहाँ पे ऐसे ऐसे कर देंगे और ये इस तरह से बिल्कुल फिट हो जाएगा। दोस्तों अब हमने देखिए ऐसे कॉइल को डाल दिया है, इसका स्प्रिंग बिल्कुल टाइट है, ये देखिए दोस्तों। दोस्तों अब हम थर्मोस्टेट लगाएंगे, कुछ इस तरह से, और जहाँ पे हमने फिट कर देना है, और ये जो गोल सुराख है जहाँ से ये टेम्परेचर को सेंस करेगा। दोस्तों हमारा थर्मोस्टेट फिट हो चुका है, हमारी कॉइल फिट हो चुकी है, तो इसके कनेक्शन कर देते हैं हम। जो दो वायर थी छोटे वाली, जो कि ऊपर वाला कनेक्शन था या नीचे वाला, आप जहां भी लगा सकते हैं, नीचे वाले को या ऊपर वाले को जहां भी लगा सकते हैं, जहां भी लगा सकते हैं आप, कोई भी कनेक्शन लें और एक सिरे पे लगा दें। जे वाला थोड़ा गलत हो गया है, जे वाला कनेक्शन जहाँ पर लगेगा। वो जो थर्मोस्टेट वाला है जे वाला, जे दोस्तों नीचे लगेगा, एक पंखे की वायर और एक ये जो कामन वाली थी ये जहाँ पे लगेगी न्यूट्रल के साथ। दोस्तों आप जब भी हीटर को रिपेयर करें तो मोटर को तेल देना ना भूलें। हम इसको मशीन ऑयल दे रहे हैं, ये वाला मशीन ऑयल है, किसी भी दुकान पर आपको मिल जाएगा मशीन ऑयल। तो उसके लिए आप ये दो स्क्रू खोलें, और इसके जो बुश होते हैं, एक बुश नीचे की तरफ होता है और एक बुश ऊपर की तरफ होता है, तो वहाँ पे आप तेल देना से ना भूलें। एक नीचे वाला है बुश, ये देखिए दोस्तों नीचे वाला बुश ये वाला है, हम जहाँ तेल देंगे इसको, और जो दूसरा बुश है और ये ऊपर वाला बुश है, इसको भी आप तेल ज़रूर दें। तेल देने से जे जैसे नई मोटर चलती है वैसे ही चलेगा, और कई सालों तक मोटर की लाइफ बढ़ जाएगी, और फिर मोटर को आप फिट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और आप जल्दी कर देंगे। थल्ला बजना चाहिए कैमरा इन। हमारी मोटर हो चुकी है, अब इसका हम पंखा डालेंगे। और इस पंखे के नेट को अच्छी तरह से कस लेना है। दोस्तों हमारा ब्लोअर ठीक हो चुका है, अभी हम इसको फिट करेंगे। और ये जो रबड़ है इसकी, ये भी बहुत ज़रूरी है लगाने के लिए, क्योंकि इससे हवा जो है बाहर नहीं जाएगी, इसके अंदर ही रहेगी, और इसके अंदर से हवा होके बाहर निकलेगी।
दोस्तों अब हम आपको इसको चेक करके बताते हैं और टेम्परेचर मीटर से आपको इसका सेल्सियस बताएंगे। और पावर ऑन कर लिया हमने पहले से, और जहाँ से फैन को ऑन करेंगे, ये देखिए हमारा फैन चल चुका है। और अब हम एक कॉइल को ऑन करेंगे और देखिए टेम्परेचर जे कैसे बढ़ता है धीरे धीरे। देखिए दोस्तों हमारा टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो चुका है। दोस्तों अब हम इसकी दूसरी कॉइल को भी ऑन करेंगे, पहले चेक कर लेते हैं। देखो दोस्तों 26 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है, 27 डिग्री हो चुका है। अब दूसरी कॉइल को भी ऑन करते हैं दूसरे हाथ से। देखिए दोस्तों टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है और बहुत ज़्यादा हीट आ रही है। तो दोस्तों आप भी देखिए 44 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है, अभी भी टेम्परेचर बढ़ रहा है और आप अपने घर पर आराम से इसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।